नमस्कार सभी को। आज हम आप सबके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व की प्रस्तुति देने जा रहे हैं जिनको शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। उनका नाम है शहीद आजम उधम सिंह। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को संगरूर जिले के सुनाम गांव में काम्बोज परिवार में हुआ था। 1901 में उनकी माता और 1907 में उनके पिता का देहांत हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। 1917 में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। 1919 में वे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। अंग्रेजी सरकार ने शांति पाने के लिए सभी लोगों को जलियांवाला बाग में इकट्ठा किया था और उस दिन उधम सिंह भी जलियांवाला बाग के प्रत्यक्ष दर्शी थे। जब सभी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए तब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए और आम लोगों पर गोलियां चला दी गई। इस घटना से वीर उधम सिंह जिम्मेदार रहे और उन्होंने जनरल डायर को मौत के घाट उतारने की प्रतिज्ञा ली।
तो जैसा कि आपने देखा उधर सिंह ने 21 साल बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके अपना आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजी सरकार द्वारा उधम सिंह पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 1940 में फांसी की सजा दे दी गई और इस तरह भारत का वीर पुत्र शहीद हो गया। इस तरह यह नाटक यहाँ पर समाप्त होता है।